सांसद वीडी राम ने किया ध्वजारोहण। पलामू के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रध्वज का हुआ ध्वजारोहण। मौके पर विधायक और डीआरएम रहे मौजूद। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। पलामू डाल्टनगंज में रेलवे स्टेशन पर स्मारक राष्ट्रध्वज का ध्वजारोहण किया गया। मौके पर मौजूद सांसद वीडी राम ने किया ध्वजारोहण। उन्होंने कहा कि वे जिस रेल प्रशासन में 20 साल से जुड़े हुए थे, उस प्रशासन में आने का मौका मिला, ध्वजारोहण करने का मौका मिला, वह उनके लिए एक गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि स्मारक राष्ट्रध्वज रेलवे परिषद में फहराया गया। रेलवे प्रशासन ने पूरे देश भर में प्रमुख स्टेशनों पर स्मारक राष्ट्रध्वज फहराने का कार्य किया गया। गौरव का दिन है कि जिस रेल प्रशासन से मैं आज से करीब 20 साल पहले जुड़ा हुआ था, उस प्रशासन के बीच आने का मौका मिला और वह भी ऐसे अवसर पर जब राष्ट्रध्वज को फहराने का मौका मिला। मैं वर्ष 1997 से लेकर के 2002 तक सीएससी नॉर्दर्न रेलवे के पद पर पदस्थापित था और कुछ महीनों तक मैंने डीजीआरपीएफ के रूप में भी कार्य किया था। ऐसी परिस्थिति में और ऐसे अवसर पर निश्चित रूप से उपस्थिति दर्ज कराने का यदि कोई मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात हो। आज स्मारक राष्ट्रध्वज डाल्टनगंज रेलवे परिसर में फहराया गया। रेलवे प्रशासन ने पूरे देश भर में प्रमुख स्टेशनों पर स्मारक राष्ट्रध्वज फहराने का आज कार्य किया है। निश्चित रूप से इसके लिए रेलवे प्रशासन बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस कार्य के लिए रेलवे प्रशासन बधाई का पात्र है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।